स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर मंजू बहल को सौंप दिया गया है। जिला की नई मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर पर उन्होंने कार्यभार भी संभाला है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभालने वाली महिला चिकित्सक का कहना है कि जिला के नागरिकों को घर द्वार पर उनका स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में शुमार रहेगा। केवल मात्र स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जिला वासियों को मिलने वाली हर सेवा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में अपने करियर की शुरुआत इसी जिला से करने वाली महिला चिकित्सक ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ में भी सेवाएं दी है। जिला की नई सीमाओं डॉक्टर मंजू बहल ने कार्यभार संभालने के बाद से ही जिला वासियों को उनका स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठा लिया है। रीजनल अस्पताल ऊना की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में शुमार है। सीएमओ डॉक्टर मंजू बहल कहती हैं कि रीजनल अस्पताल जिला का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है जिससे प्रत्येक जिलावासी को काफी अपेक्षाएं रहती हैं। मैंने एज ए सीएमओ ऊना ज्वाइन कर लिया है एंड मेरे को 3 दिन हो गए हैं मैं काम कर रही हूँ। 14th को मैं रिलीव हो गई थी एज एमएस एंड उसके बाद मैंने ये कार्यभार संभाला है एंड मेरी प्राथमिकता यही है कि हम लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज दें, उनके डोर स्टेप तक दें और क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश ना रहे। ऐसे में इस अस्पताल को सबसे पहले मजबूत किया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से विशाल चांडिलिया की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।